बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम अहले खानों को मेरी जानिब से दिल से सलाम दुआएं और बहुत सारा प्यार और सुनाए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ किचन में अफ्तार का सामान, तो पकौड़े बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी शरबत, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप मेरे साथ आइएगा। चले फिर चलते हैं किचन में। चले फिर जैसे कि आप देख सकते हैं शरबत मैंने बना लिए हैं दोनों जग में, एक में बना लिया टैंक का और एक में बना लिया रूह अफ़ज़ा का। तो अब इनको रख देते हैं बंद करके। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पकौड़े भी मैंने बना लिए हैं, आलू वाले भी बना लिए हैं, ये आलू के और आलू के हैं, ये मिर्ची के वाले और नीचे जो है ना वो है दूसरे अरे मसाले हैं, और ये कढ़ाई में बन भी रहे, ये दही बड़े। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला भून चुका है, सब ने खा भी लिया, तो ये धोने बर्तन देखिए आप माशाल्लाह कितने बर्तन निकले हुए, मैंने सारे बर्तन धो लो, धो के साफ शफाफ कर दूँगी, लेकिन जब साफ करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैं माशाल्लाह किचन साफ करके जब भी आराम से करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किचन गंदा और बर्तन धोती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बर्तन धो लूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और किचन भी साफ शफाफ कर दिया है, साफ सुथरा देख सकते हैं आप। इसमें मतलब खाने को सामान है, इसमें भी एक तेल वाली कढ़ाई है, एक सालन है जिसका है सालन है, और देखिए माशाल्लाह स्टैंड भी भरा हुआ बर्तनों से, और ये वो है दूसरी जगह, और ये है माशाल्लाह बर्तन, और देख सकते हैं माशाल्लाह से आधे बर्तन पहले मैंने उसमें लगाए स्टैंड में और आधे काफ़ी हैं, और अगर आधे बर्तन में स्टोर में रख कर आई हूँ। देखें आप माशाल्लाह किचन भी साफ सुथरा देख सकते हैं, शुक्र अल्लाह पाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा कर लीजिए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ईमान से जिंदगी से हिम्मत दी गुना मुझे इतनी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़े करफे से गुजरे, बाकी रोज़े करफे से गुजरे। जैसे कि आपने देखा कि माशाल्लाह से शाम की तारीख का ये खबरों में आपसे शेयर किया, माशाल्लाह शरबत बनाए, पकौड़े बनाए, माशाल्लाह से सालन तो पहले बनाए थे, और इसके अलावा दही बड़ी चाट बनाई, रोटियाँ बनाई,